सामने के पेड़ में इतने सारे कटहल लग रहे हो तो कटहल का अचार बनाने का मन तो कर ही जाता है। आज मैंने बनाया है कटहल का अचार। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले करते हैं कटहल काटने की मेहनत। सरसों का तेल लगाकर मैंने कटहल को तो अच्छे से काट लिया था। उसके बाद इसके अंदर की जो गुठली होती है उसको भी अच्छे से निकाल लिया है यहाँ पर। फिर इसको छोटे छोटे कट करके इसके सारे बीज भी निकाल लिए हैं और ये मैंने बड़ी मेहनत से कटहल काट लिया है और इसके सारे बीज है वो भी मैंने अलग किए हैं, कोई कोई रह गए हैं पर अधिकतर मैंने इसको बीज निकाल दिए हैं। यहाँ पे सरसों का तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करूँगी। पहले यहाँ पे कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब बनाएंगे मसाला। धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च। और पीली सरसों। अगर काली सरसों होती या राई होती तो बहुत अच्छा होता, पर पीली सरसों है वही काफ़ी है। भुन के पिसा हुआ मेथी दाना, सौंफ जिसको मैंने भुन के पाउडर बना दिया था, अजवाइन, कलौंजी। अब मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है तो नमक को मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी मसाले में हम वही तेल डालेंगे जो बच गया था फ्राई करते हुए, तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल इसमें डाल लिया है और उसके बाद इसको भर लेंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा। ऐसे ठंडा हो चुका है अब और इसमें कटहल डाल देंगे। पहले कटहल डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। कटहल यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं और अब इसको मिक्सी से मिक्स करने के बाद जार में भर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कटहल को मिक्स कर लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, अभी से ही ऐसा लग रहा है कि खा लें। तो इसको दो तीन दिन धूप में ऐसे ही रखूँगी डब्बे के अंदर डाल के। मैं बाद में इसमें गर्म करके तेल ठंडा करने के बाद फिर डालूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे तेल। थोड़े से तेल में हो जाता है कटहल का अचार और इसे ज़्यादा दिन तक कोई इतना चलाना भी नहीं है क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं रहता, बाद में बरसात शुरू हो जाती बहुत ज़्यादा। तो देखिए कटहल के पेड़ के सामने ही यहाँ पे अचार सूख रहा है। कटहल का अचार तो मेरा बन गया है। मिलते हैं आप लोगों को नई रेसिपी के साथ फिर से, तब तक